अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। कैसे हैं आप? चलिए आज हम लोग देख लेते हैं कि एक्सेल में हम लोग इससे पहले लुकअप के बारे में हम लोग बात किए थे। लुकअप क्या है, इसको किस तरह से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। लुकअप का मतलब होता है इन शॉर्ट सर्च करना, टू सर्च, खोजना। ठीक है, तो कोई भी डेटाबेस से हम लोग खोजते थे पर्टिकुलर कोई सेल वैल्यू को। तो आज हम लोग देखेंगे कि वी लुकअप का फंक्शन क्या है, वी लुकअप का फंक्शन क्या है। इसके लिए हम लोग चलते हैं एक्सेल के शीट पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग एक्सेल में एक चार्ट बना लेंगे। चार्ट में हम लोग का हमारे पास फिलहाल चार एट्रीब्यूट है, मतलब नेम है, सैलरी है, सिटी है, स्टेट है और इसका यहाँ पे डिटेल सबका है। ठीक है, तो वी लुकअप जो है यहाँ पे, वी लुकअप नाम से ही पता चल रहा है कि लुकअप का मतलब खोजना, वी का मतलब वर्टिकली, मतलब वर्टिकली ये खोजेगा। ठीक है, कॉलम वाइज। और यहाँ पे देखिए ये चार्ट में 1, 2, 3, 4 करके हमने इंडिकेट भी किया है। इसका इसको हमने काहे लिखा है ये आपको पता चलेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एट्रीब्यूट को यहाँ कॉपी कर लेते हैं। इस सीट में कॉपी कीजिए, और कोई नया सीट में चाहते हैं तो नया सीट में भी कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस सीट में हम यहीं फ़िलहाल हम यहीं पर कॉपी कर रहे हैं। इसको यहाँ कॉपी किया, कॉपी करने के बाद चलिए इसको थोड़ा से हम बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, कॉपी करने के बाद अब हम लोग को देखना है कि किस तरह से हम लोग वर्क करेंगे इसके ऊपर। तो इसमें एक फ़ायदा यह है कि ये वाला जो कॉलम है, इसमें वी लुकअप में हमको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जबकि इससे पहले हम लोग जो किए थे उसमें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग सजाए थे लुकअप में। तो इसमें हम लोग को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब मान लिया यहाँ पे हमको किसी का सैलरी चाहिए, ये इस तरह से वर्क करेगा। ठीक है, कॉलम वाइज 1, 2, 3, 4 जिस तरह से हम लोग लिखे हैं इस तरह से वर्क करेगा। तो मान लिया यहाँ पे जितेंद्र का हमको देखना है कि इसका सैलरी क्या है। तो सिंपल वही फार्मूला है, यहाँ पे जाइए, इक्वल टू का साइन लिखिए और वी लुकअप पेस्ट कीजिए। और यहाँ पे देखिए, आप ध्यान दीजिए यहाँ पे ये सिंटेक्स जो है इसी का अनुसार आपको जाना होगा। जैसे लुकअप वैल्यू टेबल एरे, ठीक है, उसके बाद कॉलन इंडेक्स नंबर, उसके बाद रेंज लुकअप। तो फिलहाल हम लोग लुकअप वैल्यू हमको किसको लेना है भाई, जितेंद्र को लेना है। तो जितेंद्र को क्लिक करते हैं, कॉमा देते हैं। उसके बाद टेबल एरे लेना है तो कहाँ से लेना है, यहाँ से लेना है। तो हम टोटल यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। देखिए टेबल वैल्यू आ गया है, उसके बाद कॉमा लगाते हैं। अब यहाँ ख़ास बात यह है कि कॉलन इंडेक्स क्या है। तो 1 ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, 6 है, इसी तरह जितना आपको कॉलन रहेगा हेडिंग उसका एक नंबर हम लोग एज्यूम करते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर 1, 2, 3, 4 लिखे थे। ठीक है, तो यहाँ पे हमको सैलरी वाला कौन सा कॉलम में, 2 में है ना, तो हम लोग 2 देते हैं। उसके बाद 2 देने के बाद अब बता रहा है यहाँ पे जो 2 है वो, ये जो 2 है ये अरेंज वे में है, हम लोग को तो अरेंज वे में है नहीं। तो यहाँ पे ट्रू और फॉल्स दो चीज़ आपको मिलेगा हमेशा। ट्रू को मतलब आप समझ लीजिए 1, और फॉल्स को समझ लीजिए 0। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा
इन ऑर्डर में नहीं है, इसका मतलब ये असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं सजा हुआ है, तो इसका मतलब ये फॉल्स है, इसका मतलब जीरो हम लोग देते हैं और इंटर करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 60,000 जितेंद्र का सैलरी आ गया, उसी तरह हम अगर सीटी को लेना सॉरी उसी तरह जितेंद्र का जगह अगर हम लेना चाह रहे हैं मोदी को, मोदी को क्लिक करने के बाद इंटर करते हैं, तो देखिए मोदी का यहाँ पे सैलरी आ जाता है। ठीक है, तो ये वी लुकअप का काम है। अब मान लिया ये मोदी जो है ये कौन सा, चलिए मोदी का ऊपर हम लोग, मोदी जो है ये मोदी कौन सा स्टेट में रहता है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ठीक उसी तरह से फॉर्मूला लगाते हैं वी लुकअप, उसके बाद टेबल एरे, तो टेबल एरे हम लोग पूरे यहाँ से ले लेते हैं, सिर्फ 1, 2, 3, 4 जो है उसको छोड़ के, ठीक है, फिर कॉमा लगाते हैं, उसके बाद कौन सा कॉलन में है, तो स्टेट हमारा 4 में है ना, 4 नंबर में है, 4 नंबर वो अरेंज किया हुआ है या नहीं किया हुआ है, तो कॉमा लगाते हैं, अरेंज नहीं किया हुआ मतलब 0, इंटर करते हैं, तो कुछ गड़बड़ हुआ है, थोड़ा सा देख लेते हैं क्या गड़बड़ हुआ है। तो यहाँ पे देखिए मोदी जो है वो गुजरात का है, वो स्टेट यहाँ पे शो कर दिया। ठीक है, तो इसमें सिर्फ एक ही फर्क था कि इसको हम लोग असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं ले आए। यहाँ पे देखिए F2 करते हैं, यहाँ पे इसका देखिए लिए फार्मूला वी लुकअप, उसके बाद मोदी का वैल्यू जो लिए थे वो है, उसके बाद पूरा रेंज को लिए थे, उसके बाद चौथा नंबर कॉलम में था वो लिए थे, उसके बाद फॉल्स मतलब ये असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं सजा हुआ है, इन ऑर्डर में नहीं है, इसलिए फॉल्स माने 0, इंटर करने से हमारे यहाँ पे आ जाता है मोदी का जगह। यहाँ पर ही हम लोग अगर लिखते हैं मोहित, तो देखिए मोहित उत्तर प्रदेश का है, देखिए मोहित यहाँ पे कहीं होगा, मोहित देखिए मोहित उत्तर प्रदेश। तो इस तरह से हमारा वी लुकअप का फंक्शन होता है। तो इसके बाद हम लोग देख लेंगे एच लुकअप कैसे लगाया जाता है, और उसके बाद हम लोग देख लेंगे कि मल्टीपल कॉलम में किस तरह से हम लोग वर्क करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर सिटी है, सैलरी है, सिटी है और स्टेट है, तो अगर हम लोग मोदी लिखेंगे तो मोदी में सैलरी भी आ जाएगा, कौन सा सिटी में रहता है वो आ जाएगा, और कौन सा स्टेट में रहता है वो आ जाएगा। इस तरह से हम लोग मल्टीपल वी लुकअप फंक्शन को हम लोग देखेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इससे पहले और एक वीडियो बना था लुकअप, अगर और डिटेल में जानना है तो पहले लुकअप को आप देख लीजिए, लुकअप क्या है वो थोड़ा और इजी वे में है, लेकिन सिर्फ फ़र्क इतना ही है इसमें कि असेंडिंग डिसेंडिंग में सजाने की ज़रूरत नहीं है आपको डेटाबेस में, और लुकअप में असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाने की ज़रूरत पड़ता था। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।